देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, टू लाइन्स है, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन अपने पास ये है, ठीक है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 5x-y+4=0, ठीक है। सेकंड लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x+4y-4=0, ठीक है। ए लाइन इज सच देट इज सेगमेंट बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट है टू लाइन्स के बिटवीन, ये हम मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये बाइसेक्ट कहाँ करता है, 8.1,5 पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्टेन द इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम जनरल तरीके से यहाँ पे देखें, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी टू साइड्स हमें गिवन है, दिस एंड दिस, ठीक है। और हमें जो बी सी है वो बाइसेक्ट हो रहा है 1,5 पे, ये मिड पॉइंट हो गया बी सी का। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये मिड पॉइंट है बी सी का। तो बी सी का यदि मैं ये पॉइंट एच मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऐसे 5x+4, ठीक है। और सी का यदि मैं ये कोऑर्डिनेट के ले लेंगे हम, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4-3k/4, क्योंकि ये इस पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट इस पे और बी पॉइंट इस लाइन पे, ठीक है। अब बी सी का मिड पॉइंट क्या है, 1,5। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1+x2 यानी कि h+k/2=1। तो h+k की वैल्यू आ गई, एक तो ये h और k में रिलेशन आ गया, h+k=2। एंड सेकंड क्या है, 5h+4+4-3k/4 y1+y/2=5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5h+4+4-3k/4=10, ठीक है। 4 LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 20h+16+4-3k=40, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20h-3k, ये देखो 16+4=20, 20 इस तरफ आके माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 40-20 20 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एक और रिलेशन आ गया एच और के में। अब टू इक्वेशन था एच और के में, तो एच और के निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू क्या है, 2-h, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 20h-3, 2-h=20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 20h-6+3h=20, ठीक है। तो 20+20 ये कितना आ जाएगा, 3, 23h, ठीक है, =26। ये देखो 6 इधर आके एड हो जाएगा, तो 26 हो गया, ठीक है। तो h = आ जाएगा 26/23, ये h की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक पॉइंट तो पहले से है, और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक और पॉइंट चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 26/23, यही है ना, 26/23 एंड 5×26/23+4, ठीक है। टू पॉइंट्स है, तो इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, इजी है।